नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भास्कर मैथ्स पे। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ खूबसूरत नगमे देखेंगे और इसको कैसे हम कम समय में इसे हल कर सकते हैं वो तरीके सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम रेलवे और SSC में पूछे जाते हैं। सवाल कहता है जी, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपये तथा 6 वर्षों में 13500 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है? तो सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं। सवाल ये कहता है कि कोई धन यहाँ ₹P था और ये 3 वर्षों में 4500 रुपये हो गया, मतलब ये जो मामला है वो 3 वर्ष का है। फिर यही धन अगले 3 वर्षों में 4500 से 13500 हो गया। ये यहाँ से यहाँ 3 वर्ष 4500 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ 3 वर्षों में 13500 हुआ। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो अंतर है वो समान है, यहाँ भी 3 वर्ष का और यहाँ भी 3 वर्ष का। तो जब भी कभी अंतर समान हो तो ऐसे सवालों को हल करने का एक शॉर्टकट तरीका है, आप कुछ मत करो, पहली जो संख्या है 4500 उसको 2 बार मल्टीप्लीकेशन में आप लिखो, उसके बाद जो दूसरी संख्या है 13500 उससे आप डिवाइड कर दो। तो आप देखो कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4530 135 हो गया और 3 से ये 1500 हो गया। तो मतलब इस सवाल का जो सही उत्तर है वो 1500, मतलब मेरा मूलधन कितना था 1500 रुपया। आप यहाँ भी वही देख रहे हो कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि पहले 2 वर्ष फिर 2 वर्ष, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहली वाली जो संख्या है उसको आप 2 बार मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, 4500 × 4500 10 से 10। अगर आप इसे 9 से काटोगे तो 9 5 45 10 और 9 7 63 4, 9 5 45 25 2 50 25 3 75 और 3 से इसको काटोगे तो ये हो गया 1500 × 2 बराबर हो जाएगा 3000, और यही सवाल का उत्तर है। तो इसी प्रकार की मज़ेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल भास्कर मैथ को जरूर से ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।